सीरियल साथ निभाना साथिया में फाइनली अहम की याददाश्त वापस आ गई है, क्योंकि वो आज अपनी माँ को ममा कहेगा और कहेगा यस ममा मैं ठीक हूँ। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आज के एपिसोड में। आज आप देखेंगे कि गुरुजी आए हैं, यहाँ पूजा चलती है और यहाँ जब भी जो भी उनके पैर छूता है उसके बारे में वो बताते हैं कि ये कैसा इंसान है, इसका आगे का फ्यूचर कैसा होगा। ऐसी सारी बातें जब बताते हैं तो यहाँ पर गहना के लिए बहुत खास बात बोलते हैं। गहना के लिए कहते हैं कि ये जल्द ही इसकी किस्मत बदलने वाली है, ये रंग से राजा होने वाली है और जल्द ही ये बहुत बड़े घर की बहुरानी बनेगी। ये बात जैसे ही बोलते हैं कनक की आंखें तो टेढ़ी हो जाती हैं। उसे लगता है कि ओ माय गॉड, ऐसा इस नौकरानी के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि इस नवरात्रि के बाद इसकी किस्मत बदल जाएगी, इस दिवाली के बाद इसकी किस्मत बदल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि गहना जल्द ही इस घर की बहुरानी बनने वाली है, हमारे अनंत की पत्नी बनने वाली है। खैर, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से प्लानिंग की थी गोपी और अनंत ने और गहना ने, उस तरह की ही प्लानिंग चलती है। गोपी यहाँ पर भजन गाती है और उस भजन को सुन के अहम अपने कमरे से निकलते हैं, यानी गोपी चाचू अपने कमरे से निकलते हैं और वो सिर्फ खींचे चले आते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है। यहाँ पर जब वो अंदर आते हैं तो यहाँ पर कोकिला अहम को देखती है और उसे लगता है उसका बेटा लौट आया। वो पागलों की तरह खुश हो जाती है और उसके पीछे जाती है, पीछे जाती है और अहम उसे छोड़ के और दूर जाता है। अचानक से ट्रक आ रहा होता है, कोकिला का एक्सीडेंट होने वाला आता होता है, लेकिन अहम यानी गोपी चाचू उसे बचा लेते हैं। और यहाँ पर जब वो पूछती है डिगरा तुझे चोट तो नहीं लगी, ऐसे में अहम का जवाब होता है नहीं मम्मी, यानी हमारे अहम की याददाश्त वापस आ गई है। और इस चीज़ से गोपी और पूरे घर वाले बेहद खुश होते हैं। अब देखना यह है कि ये जो ट्विस्ट डाला है मेकर्स ने, जहां ये जवाब देते हैं नहीं मम्मी, ये सचमुच अहम की याददाश्त वापस आ गई है, या फिर वो कोकिला को बुज़ुर्ग महिला समझ के उन्हें जानबूझ के मम्मी कहकर बुला रहे हैं।